हरे कृष्णा, सात्विक रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना पपाया स्मूदी, जो बहुत ही इजी ड्रिंक है और आप बहुत फटाफट बना सकते हैं। मोस्टली जब भी हम पपाया लाते हैं तो बच्चों को पपाया खाना इतना पसंद नहीं रहता, और ज़्यादा राइप हो तो वैसे ही वो उसको मुँह बनाते हैं पपाया देख के, जबकि पपाया खाना एक बहुत अच्छा इंग्रीडियंट है बच्चों के लिए, स्टमक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है पपाया। अभी हम पपाया जो हम यूज़ कर रहे हैं, मैंने ओवर राइप पपाया लिया है। नॉर्मली पपाया ओवर राइप हो जाए तो हम लोग बच्चों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, हमें लगता है कि ख़राब हो गया, पर ये इस स्मूदी के लिए हमें ओवर राइप पपाया चाहिए, एकदम पका हुआ होना चाहिए। सबसे पहले हम जार लेंगे, जार में पपाया ऐड करेंगे। मैंने पपाया को अच्छे से पील किया है और कट कर लिया पीसेस में। मैंने एक बनाना कट किया है स्लाइसेस में, वो ऐड कर रही हूँ। शुगर ऐड करेंगे, आप अगर शुगर नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको बिना शुगर के भी ले सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी बनाना में भी स्वीटनेस है और पपाया भी मीठा ही रहता है। और अब पहले इसको एक बार ग्राइंड कर लेते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि एक अच्छे से स्मूथनेस आ जाए इसमें। एकदम थोड़ा पानी ऐड करना है आपको, बिकॉज हम इसमें आइस भी ऐड करने वाले हैं। अभी आप देखेंगे कि बनाना आपको पपाया सब अच्छे से मैश हो गया। इसमें थोड़ा सा आइस ऐड करते हैं। और ये मैंने थोड़ी सी वनीला आइसक्रीम ली है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको ऊपर से टॉपिंग भी कर सकते हैं। तो हम अभी दोनों चीज़ें करेंगे, थोड़ा सा शेक में ऐड करेंगे और थोड़ी सी ऊपर से टॉपिंग करेंगे। अभी हम इसको ग्लास में सर्व कर लेते हैं। ग्लास में सर्व करने के लिए पहले आप ग्लास में आइस क्यूब्स ऐड कर लीजिए। और ये स्मूदी इसमें पोर करेंगे। आप चाहें तो पानी की जगह इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। अभी स्मूदी मैंने सर्व कर ली है ग्लास में, इसकी टॉपिंग करने के लिए बनाना स्लाइसेस पतले पतले काट लेते हैं। आप जब भी कुछ बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपके इंग्रेडिएंट्स हमेशा अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए हम जो भी बना रहे हैं भगवान के लिए बना रहे हैं और भगवान को ऑफर करने के लिए बना रहे हैं। और क्लीनिनेस का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी कुछ भी बनाएं आपका टेबल आपकी किचन एकदम क्लीन होनी चाहिए, और आपका मूड भी एकदम कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए। तो देखिए स्मूदी को हम टॉपिंग कर रहे हैं बनाना के साथ, फिर इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा वनीला आइसक्रीम। और अभी तुलसी जी डाल के हम इसको भगवान को भोग लगाएंगे। हरे कृष्णा। बनाना पपैया स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिए पपैया के टुकड़े 2 कप, कटे हुए केले 1/2 कप, चीनी 2 बड़े चम्मच, पानी 1/4 कप, आइस क्यूब्स 4 से 5, वनीला आइसक्रीम 3 छोटे चम्मच। बनाना पपैया स्मूदी बनाने के लिए एक मिक्सचर जार में पपैया, केले और चीनी मिला के पीस लें। फिर थोड़ा पानी, आइस क्यूब्स, वनीला आइसक्रीम मिलाएं और अच्छे से पीसें। अब आइस क्यूब्स मिलाएं और ग्लास में सर्व करें। इसे केले और वनीला आइसक्रीम से गार्निश करें।